गणित में दशमलव में एक प्रश्न आता है, कई बार आपके यूपीटेट में भी आ चुका है, सुपरटेट में भी नहीं तो शुरुआत हुई है, लेकिन यूपीटेट में कई बार पूछा है, सीटेट में भी यहाँ से एक आध बार प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न ऐसे पूछे गए जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था शुरुआत में, जब हम लोग दशमलव पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम लोगों ने यह पढ़ा था कि जैसे इकाई दस सैकड़ा हजार दस हज़ार होता है, उसी तरह दशमलव का भी स्थानीय मान होता है, ठीक, दशांश शतांश हजारवां दस हजारवां, तो इस तरह से लगातार वो बढ़ता जाता है। तो वहाँ पे हम लोगों ने जब पढ़ा था स्थानीय मान, दशमलव का स्थानीय मान दो का होता है, एक तो जो संख्या होती है उसकी भी स्थानीय मान होता है और दशमलव का भी स्थानीय मान होता है, स्थानीय मान और जाति मान, ठीक। तो आज भी हम लोग प्रयास करेंगे कि पहले आज ये पढ़ लेते हैं, तो कल या इसी के बाद एक अध्याय में पूरा जितना टाइप का क्वेश्चन पढ़े हैं उससे संबंधित प्रश्न उत्तर को सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे, किससे, दशमलव से जुड़े हुए, मतलब दशमलव से जुड़े हुए प्रश्नों को सॉल्व करने का हम सब प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो उसको ध्यान समझिएगा, वो आपका ढाई मिनट बचा सकता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ढाई से दो मिनट। जैसे अगर भिन्न आता है वैसे वो तो भिन्न में ही पढ़ते हैं, लेकिन दशमलव की बात है इसलिए हम दशमलव में ही पढ़ लेते हैं। जैसे दे दिया सत्रह या सात दे दिए, मान लीजिए एक ही हम पकड़ते हैं, सात प्लस तीन बटा दस, पाँच बटा सौ, नौ बटा एक हजार प्लस छः बटा दस हजार का योग होगा, पूछ दिया कि का योग होगा, बताइए का योग होगा, सो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले इनके हर का एलसीएम लेंगे, हाँ कैसे लगाएं बताइए आप, नीलदीप कैसे लगाएं इसको, हाँ पहले हर का एलसीएम लेंगे तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, इसको कैसे लगाएं देखिएगा, ध्यान समझिएगा एकदम आसानी से, इसको लिखेंगे पहले सात, क्या लिखेंगे सात, सात के बाद लड्डू चढ़ा देंगे दशमलव में, दशमलव इसके बाद दस बटा दस, तीन बटे दस का क्या हो सकता है कि एक अंक पे दशमलव, एक बात ध्यान देंगे जब लड्डू क्रम से बढ़ रहा हो, जब लड्डू क्रम से बढ़ रहा हो, देख रहे क्रम से बढ़ रहा है, एक लड्डू दो लड्डू तीन लड्डू चार लड्डू, जब लड्डू क्रम से बढ़ रहा है ऊपर के अंक आप क्रम से लिख दिए, सात तीन पांच नौ छह, ये हो गया आपका उत्तर। इसे भिन्न में लिखना है, इसी को भिन्न में लिखना है तो कुछ मत करिए, सात तीन पांच नौ छह, यहां दशमलव है दशमलव जगह एक, उसके बाद दाएं तरफ कई संख्या है चार, तो एक लड्डू दो लड्डू तीन लड्डू चार लड्डू, बस बस चार लड्डू आप लगा दीजिए, आपने चार लड्डू लगा दिया उत्तर प्राप्त हो गया। अब चाहे आप भिन्न में उत्तर लाइए चाहे दशमलव में उत्तर लाइए, दशमलव का अध्याय पढ़ रहे हैं तो ये उत्तर, भिन्न में पढ़ रहे हैं तो ये उत्तर, आया समझ में आपको, चलिए अभी नहीं क्रम से तब भी बता रहे हैं, हाँ कहा, हाँ जब दशमलव हटेगा तो ये बटे में होगा ना, नहीं तो ऐसे दशमलव में रहेगा, क्यों, क्योंकि इसका मतलब ही होता है तीन बटे दस का मतलब जो दशमलव तीन, इसको अगर दशमलव बदलेंगे, जैसे हमने आपको ये भी बताया था दशमलव के पहले दिन, अगर इसको लिखेंगे तो हो जाएगा जीरो दशमलव, ये होगा जीरो दशमलव जीरो पाँच, दो अंक पे दशमलव है, ये तीन अंक पे दशमलव है, जीरो दशमलव जीरो जीरो, ये हो जाएगा जीरो दशमलव जीरो 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 छः, जय लड्डू तय अंक पे दशमलव, बस कहा यहाँ जहाँ दशमलव है उसके जगह एक, उसके बाद जय अंक हो उसके दाएं तरफ तय लड्डू चढ़ा देंगे, जितना अंक हो उतना लड्डू चढ़ा देंगे। अब आपके ऊपर कितना अंक है ये समझ में आया, तब कहाँ उसे बड़ा बता रहे हैं, यहाँ पढ़ने बड़ा पढ़ने थोड़ी ना है, हाँ बड़ा पढ़ना होता तो यहाँ आने क्या जरूरत थी, तो घर में पढ़ सकते थे, किताबों मिल जाता, यहाँ आने कोई मतलब है आप लोग का, मतलब यही है इस उद्देश्य से आए हैं, आपका समय बचे, परीक्षा महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि आपको कितना आ रहा है, महत्वपूर्ण ये होता है कितना समय बचा रहे हैं आप, मिटाए इसको। और आगे बढ़े, चलिए देखिए एक ठो लगाइए फिर आगे बढ़ते हैं, ये 48 प्लस 9 बटा 10 6 बटा 100 4 बटा 1000 3 बटे 10000
का योग होगा। अब आप तुरंत कर लेंगे, अब आसानी से आप कर ले जाएंगे तुरंत इसको। ये कैसे लगाएंगे, तुरंत लिख दिया आपने 48.9643, बहुत ही उत्तर लगाया। भिन्न में बदलना है तो 48.9643 या दशमलव था, दशमलव जगह एक लिखा, दशमलव गायब किया, का अंक चार अंक, 1 2 3 4 लड्डू, बस बात खत्म। ये भी उत्तर सही है आपका, ये भी उत्तर सही है आपका। अब कौन सा उत्तर आप लगाएंगे, कौन सा परीक्षा में पूछा है, बस माने ये रखता है। आपने क्या किया, क्रम से लड्डू दिया था, क्रम से लड्डू सजा दिया। अगर एक क्रम से ना दिया होता तो क्या करते, हो सकता है एक क्रम से ना दिया हो, आपसे कोई दुश्मनी हो परीक्षक की, परीक्षा लेने वाला चाहता ना बच्चों को इतना बजा दे, तब क्या करेंगे, साफ करें, सफाई अभियान। चलिए यह है 8 दिख रहा है, प्लस 5/100 प्लस 6/10,000 प्लस 8/ का योग होगा, का योग होगा। अब तो क्रम से नहीं है, अब क्या करना होगा, हाँ हाँ ट्रिक लगाएंगे, एलसीएम लेंगे इसका, हर का कुछ नहीं करेंगे, फिर वही करेंगे, लिखेंगे पहले हम 8 10, ये कई अंक पे दशमलव है, कै बटा कई लड्डू है नीचे, इसका मतलब 2 अंक पे दशमलव, तो 1 अंक दिया ही नहीं है, तो 1 अंक का काम मानते हैं अपने आप से लड्डू, फिर यहाँ लिख देंगे, इसका मतलब ये 2 अंक पे दशमलव हो गया ना, ये आपका हो गया 2 अंक पे दशमलव, ठीक। अब ये कई अंक पे है, 4 अंक पे दशमलव, कैसे पता 4 अंक पे दशमलव है, नीचे 4 लड्डू, 1 2 3 4 लड्डू, इसका मतलब 4 अंक पे दशमलव, ये बेचारा अकेला अंक है, क्या अकेला अंक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, 3 अंक होना चाहिए, 2 अंक पहले से है, 1 लड्डू चढ़ा देंगे, फिर 6 लिख देंगे, बस काम खत्म। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं नीचे का लड्डू चढ़ा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक 6 लड्डू चढ़ा है, और यहाँ है 4, ऊपर है 1 अंक, तो लिखना है 6 अंक पे, तो जब नहीं पता है बीच वाले क्या मानेंगे, लड्डू 8, ये हो गया उत्तर। अगर इसे भिन्न में लिखना है तो बहुत आसान है, 8 0 5 0 6 0 8, पूरे का बट्टा दशमलव जगह 1 लिख दिए, 1 2 3 4 5 6, 1 लड्डू 2 लड्डू 3 लड्डू 4 लड्डू 5 लड्डू 6 लड्डू, बस डरने कोई बात नहीं है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है, चलिए आना बहुत बड़ी बात है, कि सीटेट के लिए सब ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक आध क्वेश्चन और लगाइए आप लोग, फिर क्योंकि इसके पहले भी जो पढ़ा था आपने पढ़ लिया, ये पढ़ लीजिए, फिर एक टाइप का लास्ट पढ़ लीजिए, फिर आप दशमलव खत्म, ठीक। इसके बाद पढ़ेंगे दशमलव का नियरेस्ट मान क्या होता है, वो अच्छा जिस दिन प्रश्न सॉल्व करेंगे उस दिन पढ़ेंगे हम लोग, ऐसे आता है, अरे पूछा क्वेश्चन ये सब, पेपर आप लोग सॉल्व करिएगा तो मिल जाएगा, यूपीटेट में भी है, लेकिन सिलेबस में इसलिए सीटेट में पढ़ना है। मिटाए इसको, चलिए आगे बढ़े, अब चले अब देखते हैं सबसे पहले इसका उत्तर कौन बताता है, ठीक है, कोई अंक बोलिए, नीलदीप जी कोई भी अंक बोल दीजिए, हाँ घास बोल दीजिए, बोलिए जल्दी से, अरे कोई अंक नहीं बोल रहे, चलिए मिल देते हैं,
सिक्स लिख दिया। चलिए अब बस बस आगे हम लिख लेंगे। इसका योग होगा का योग होगा 6 लिखा हमने, दशमलव लगाया, 3 अंक में दशमलव ऊपर 2 ही अंक है तो 0, 3, 6 या 5 अंक ऊपर 3 अंक हो ही चुका है, 3 अंक हो ही चुका है, अब 5 अंक पे लिखना है तो डायरेक्ट ठीक। अब बदलना है किसमें, भिन्न में भिन्न बदल दीजिए। एक दो तीन चार पांच ठीक। आ रहा समझ में ना, ऐसे तो नहीं पढ़ाते जा रहे आपको समझ में ना आ रहा हो। मिटा दे इसको। चलिए आप लोगों को भी होमवर्क दे दे, तो 3 ठो हाँ हाँ होमवर्क ले लीजिए आप लोग। 46 + 3/10 5/1000 4/10000 फिर 52 + 46/10000 + 75/ये लीजिए, ये दोनों आप लगा लीजिएगा। ये लगा लेते हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ गया है। एक क्वेश्चन और लगा लीजिए, एक क्वेश्चन और हम दे दे रहे हैं आपको। ज्यादा सारे चक्कर ना पड़े, आप लोग भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें प्रारंभ है 6306344367 पर ज्वाइन सीटेट लिख के व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको बता हो जाएगा। और टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिएगा, सर्च करिए दुर्गेश सर, जहाँ आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। इलेनी भी दुर्गेश फेसबुक पेज पे भी है, इलेनी भी दुर्गेश। और इसका उत्तर आप प्रयास करिए कमेंट बॉक्स बताइएगा इन सभी प्रश्नों के, इन तीनों के उत्तर जो 3 प्रश्न है आपके सामने। इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सन्निकट मान ज्ञात करना, क्योंकि सन्निकट मान ज्ञात करने से प्रश्न आए हैं और इस बार भी था। सबसे बड़ी बात कि इस बार सीटेट में क्वेश्चन था, इसलिए उसको भी पढ़ लेते हैं। और जैसे वो पढ़ लेंगे यह अध्याय आपका खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले अध्याय के लिए। अगला अध्याय शुरू करेंगे, पहले तो पढ़ेंगे संख्या पद्धति का जो सन्निकट मान और दशमलव का सन्निकट मान दोनों को लगा लेंगे। फिर कल के दिन पूरा क्या करेंगे, दोनों अध्याय के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, कुछ नए प्रश्न कुछ पूछे गए प्रश्न को। फिर उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग भिन्न। तो हम सोच रहे हैं एक बार पहले आपका सारा अध्याय कंप्लीट कर ले, क्योंकि टोटल मिला के आपको 7 अध्याय पढ़ने हैं सीटेट के लिए, मात्र 7 अध्याय, जिसमें से आज आपका 2 अध्याय खत्म हो जाएगा, बचेगा 5 अध्याय। और 5 अध्याय में आज हम लोग पढ़ लेंगे, आज ही प्रयास करेंगे तो कल के में पढ़ लेंगे हम सब रूल ऑफ डिजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम पढ़ लेंगे। उसके बाद अपवर्त्य समापवर्त्य जिसको कहते हैं लस मस, लेकिन लस मस पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना होता है, भिन्न पढ़ना होता है। भिन्न सीखने के बाद लस मस पढ़े, पहले लस मस पढ़ ले, हाँ पहले लस मस पढ़ते, क्यों, क्योंकि भिन्नों के हर का जो होता है वह लस मस जो निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है,
लसा वसा कैसे भिन्न, हर अगर सम्मान नहीं हो जोड़ते समय या घटाते समय क्या करेंगे, लसा लेंगे, कहेंगे लसा पढ़े ही नहीं है, इसलिए पहले क्या पढ़ लेंगे हम लोग, लघुत्तम समापवर्तम। लस मस मैंने एलसीएम और एससीएफ, ठीक, उसमें भी अपवर्त अपवर्त और समापवर्त, अपवर्त समापवर्त, लेकिन सीटेट में जो प्रश्न अभी तक पूछा गया है वो अपवर्त और समापवर्त करके नहीं पूछा है, वो कैसे प्रश्न पूछते हैं अभी तक जो पूछा है, सबसे छोटा सारगुणज, ठीक, सबसे छोटा सारगुणज और सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, ठीक, तो सबसे छोटा सबसे बड़ा ये सारगुणज सारगुणनखंड क्या होता है, क्योंकि उनके जो प्रश्न होते हैं जो उनके शब्द होते हैं वे थोड़े से अलग होते हैं, ठीक, वे प्रश्न सीधा सीधा नहीं पूछते, वो एकदम पूछेंगे एकदम सरल क्वेश्चन, अभी आप पढ़ना शुरू करेंगे या पिछले ईयर का पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा तो पूछते तो एकदम सरल है, लेकिन घुमाते बहुत ज़्यादा है, उनकी लैंग्वेज जो होती है थोड़ी सी अलग होती है, यूपी टेट की और सी टेट की लैंग्वेज में बहुत अंतर होता है, अंतर क्या होता है, आप लोग अगर गणित जिनको नहीं आता उनके लिए सी टेट बहुत आसान है, कई बार बता चुके हैं, आप यूपी टेट गणित अगर नहीं आती तो 30 में आप 25 करने या 20 करने में थक जाएंगे, आप उसके लिए दिन रात मेहनत करेंगे, अन्य सब्जेक्ट छूट जाएगा तब वो 20 नहीं पहुंचे, जिसकी गणित कमजोर है, लेकिन जिसकी गणित कमजोर है वो सी टेट में 30 में 25 आसानी से कर लेगा बिना मेहनत किए, क्यों, 15 क्वेश्चन पढ़ना है और 15 क्या है इसका शिक्षा शास्त्र है, शिक्षण विधि मिलाकर है, तो 15 में 15 फिक्स है या 15 में 14 हो सकता है, और इस 15 में अगर कितनों आप हमारी तरह गधाएं हैं तो 12 पाएंगे, तो 12 14 26 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 15 15 भी पा सकते हैं, क्योंकि आप देखिएगा इसकी जो जो क्वेश्चन होता है, जो इस बार भी जो पूछा गया है, हम अभी पेपर आपको सॉल्व कराएंगे, जिस दिन पूरा पढ़ा लेंगे आप 15 के 15 कर लेंगे, क्योंकि उसमें करना कुछ नहीं है, इतना सरल पेपर है, कहेंगे इतना सरल पूछता है सीटेट में, हाँ इतना सरल पूछता है सीटेट में, ठीक, सीटेट बहुत टफ नहीं पूछता, हाँ लेकिन यह है कि थोड़ा उसका जो कॉन्सेप्ट होता है, जो उसकी लैंग्वेज होती है पूरी एनसीईआरटी होती है, और जितने भी क्वेश्चन लगाए जाते हैं उसका एक ही उद्देश्य होता है कि अभी ऐसे हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण, उसका पढ़ना शुरू करें तो मजा आएगा गणित का शिक्षण पढ़ने में, जैसे गणित विषय जो है लड़कियों के लिए कठिन होता है, लड़कों के लिए कठिन होता है, दोनों के लिए कठिन होता है, ये सरल होता है या जो भी होता है, तो क्या जवाब दें, क्या लड़कियों के लिए विषय कठिन होता है, सबके लिए सरल होता है, सबके लिए, फिर अभी आगे गणित में टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट क्यों लिया जाता है, तो गणित एक ऐसा विषय है जिसके लिए लोग हवा बना के रखे हैं कि गणित का नाम पर गणित ये है, गणित वो है, गणित कुछ नहीं, सीटेट गणित बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, मेहनत करिएगा सफलता कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है, तो आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, इसके बाद हम लोग तुरंत पढ़ लेते हैं सन्निकटमान, सन्निकटमान के बाद कल शुरू करेंगे नया अध्याय, ठीक, तो तीसरा अध्याय हो जाएगा, उसके बाद मात्र 4 अध्याय और बचेंगे, 4 अध्याय माने 8 दिन या 10 दिन, माने हमें लग रहा है फरवरी खत्म होते होते आपकी गणित खत्म हो जाएगी पूरा 15 नंबर का, या थोड़ा सा ज्यामिति है, ज्यामिति में भी इस बार जो प्रश्न पूछा गया था वो ज्यामिति में भी था, क्या केवल आकृति थी, शेप्स था आकृति, तो शेप हम लोग पढ़ लेंगे, शेप में 2D और 3D पढ़ लेंगे, 2D 3D जानते हैं आप लोग, जानते हैं 2D 3D, 3D मूवी देखे कहते 3D मूवी आई है ये वाली, 3D का मतलब क्या होता है, जैसे जो घन और घन घन आप तो 3D है, ठीक, माचिस डिबिया 3D है, लेकिन 2D का मतलब क्या है, जमीन खेत समतल जो है, ठीक, अब जैसे ये डैशबोर्ड देख ले रहे हैं, व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, ये क्या है, ये 2D में है, ये 2D है, लेकिन ये डेक्स ये 3D है, अब कहेंगे 3D क्या है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों, और 3D हो गई, जिसमें केवल लंबाई चौड़ाई हो 2D हो गई, तो 2D और 3D दोनों पढ़ना है, ठीक है, तो 2D और 3D आकृति पढ़ लेंगे, और एक तरह से देखा जाए तो ये भी 3D है, इसकी भी कुछ मोटाई है, इन कुछ चीज़ों को मोटाई नगड़ मानते हैं, ठीक, जैसे आगे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे देखेंगे साइकिल का चक्का जो चलता है तो वहाँ भी भाई टायर जो होता है उसकी कुछ मोटाई होती है, वो भी कुछ खाया पिया परिवार को होती है, तो लेकिन उसको भी नगड़ मानते हैं, चलिए वो यदा कदा बात है, क्योंकि वो आपके सीटेट का यूपी टेट का प्रश्न है, यहाँ आपको नहीं आएगा, यहाँ चाल समय काल समय सब नहीं पढ़ना है, हाँ घड़ी पढ़ना है, एक अध्याय आपका है घड़ी, तो घड़ी भी हम वैसे हमको पढ़ना चाहिए था संख्या पद्धति में, लेकिन इसके वो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, घड़ी का काम क्या है, घड़ी बहुत विशेष काम नहीं है, घड़ी ये है कि यदि कोई प्रश्न दे दिया कि यदि दीक्षा जौनपुर से कहाँ जाती है, गुजरात के लिए जाती है, यदि वह यहाँ पे 5:42 AM पर ट्रेन बैठती है या रेलगाड़ी बैठती है, वह गुजरात 12 घंटे या 28 घंटे 30 मिनट बाद पहुंचती है, तो गुजरात पहुंचने का समय क्या होगा, या वह इतना बजे गुजरात पहुंचती है तो कुल समय कितना हुआ,
तो ये पूछ लेता है, और इसी में पूछ लेगा कि तब औसत चाल क्या है, या दे देगा एक बस इस रफ्तार से जा रही है और बीच में आराम करती है 20-20 मिनट का, और इतने उसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, और प्रत्येक 50 किलोमीटर दूरी तय करने पर वो 20 मिनट का विश्राम लेती है, तो 600 किलोमीटर दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा, कुल समय, या तो बस अगर 12 बजे चली थी तो कितने बजे गंतव्य पर पहुंचेगी। इसी तरह काम समय क्वेश्चन बस तीन टाइप से आ सकते, उससे ज्यादा नहीं पूछे गए अभी तक। और अगर एक अध्यापिका है, अगर बच्चों को घड़ी पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले क्या बताएंगे, घड़ी में तीन हाथ होते, तीनों हाथ का क्या होता है, तीन हाथ जानते हैं ना क्या, हाँ मिनट सेकंड और घंटे की सुई, ठीक, उसमें बड़का सुई काम का, छोटका सुई काम का है, और मझल का सुई काम का है, ठीक, सब सुई काम अलग अलग है। तो इसलिए आप जो भी हम चीज़ें पढ़ेंगे एक अध्यापक की तरह पढ़ेंगे और निचोड़ कर पढ़ेंगे। आप लोग कह रहे हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं, बहुत बारीकी बता रहे हैं, उसका उद्देश्य है कि जो सीटेट होता है वो इसी तरह से प्रश्न पूछता है, या इसी तरह से प्रश्न आते हैं, वो जो पूछता है प्रश्न या जो प्रश्न आते हैं वो इसी तरह से पूछे जाते हैं, या तो अंदर घुस के पूछे जाएंगे या तो एकदम ईजी क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन जो ईजी कॉन्सेप्ट रहते हैं वो कॉन्सेप्ट कैसे रहेंगे, आपको थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा लेंदी इसलिए लगते हैं क्योंकि वास्तव में ये होता है कि हम कक्षा एक से लेकर पाँच तक जब प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे थे उस समय वो चीज़ें नहीं पढ़ाई गई थी। ऐसे नहीं कि वो चीज़ें किताब में है नहीं, आज भी वो चीज़ें एनसीईआरटी में है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम अब तब जागरूक होते हैं, पढ़ना तब शुरू करते हैं, किताबें तब खरीदना शुरू करते हैं जब समझ में आता है नौकरी हाथ में आने वाली है। अब एक से पाँच तक कहाँ पढ़े थे खुद ही नहीं पता, और जो मास्टर पढ़ाए थे उनको भी नहीं पता कहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को, बस एक से लेकर पाँच तक रोज गिनती पहाड़ा जोड़ घटाना गुणा भाग, कहाँ पहुँच जाइए, कोई भी घर में पहुँचेगा आपके बच्ची भाग तो रहे हो तो भाग लगाओ, रखे गुड़ाओ तो गुड़ा लगाओ, कहीं तक गुड़ावत है, इतने पूछते हैं और मास्टर इतने पढ़ाते हैं, बाकी ये नहीं पढ़ाते। अब बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे भिन्न पढ़ाएंगे, भिन्न का लसा मसा पढ़ाएंगे, बच्चे का क्या आता है लसा मसा आगे, बस लड़का लसा मसा लगा लेता है, बड़ा बड़ा भिन्न लगाता है, अरे बड़ा बड़ा भिन्न लगे तो उसकी कुछ चीज़ें होती, कुछ शब्दावलियाँ होती है वो नहीं बताई जाती, उस समय आने के बाद पहाड़ लगता है, फिर समझ में आता है अरे सीटेट में ये पूछता है, अरे भैया वो कक्षा तीन चार पाँच किताबों से पूछता है, वो शब्द तीन चार पाँच किताबों में है। अब जैसे आपसे कह दिया जाए कि राम और श्याम 100 रुपया राम और श्याम में इस प्रकार बांटिए, यदि आप एक अच्छा अध्यापिका है या एक अच्छा अध्यापिका है, कक्षा चार के बच्चों को एक अच्छा पाँच के बच्चों को आपको जोड़े घटाना पढ़ाना है, तो 100 रुपया को दो बच्चों में वितरित करना है, एक बच्चे को पहले बच्चे से 10 रुपया ज़्यादा मिले, कैसे लगाइएगा, एक बच्चे को दूसरे बच्चे से 10 रुपया ज़्यादा मिले, और 100 रुपया को दो भागों में बांटना है, दो लोगों में बांटना है, कैसे बांटेंगे, तो कहेंगे माना यक्स, फिर दूसरे को 10 रुपया ज़्यादा मिला, यक्स प्लस 10 तो x plus 10 equal to 100, लेकिन ऐसे प्राइमरी पढ़ाई ना जाइएगा तो मार के भगा देंगे, और इसीलिए सीटेट में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, वहाँ क्या करेंगे हम, अरे भैया 100 रुपया है तो 100 रुपया है, 10 रुपया छुट्टा निकल पहले बगले रख दो, बचा कितना 90, 45 एक लड़के तो 45, जिसको ज़्यादा देना जो आपको बहुत प्यार है उसको 10 रुपये बढ़ा दो जो रखे थे, एक को मिला 55, एक को मिला, लेकिन हमें मानते हैं यक्स, दूसरा x plus 10 equal to 100, तो ये सीटेट और वो यूपीटेट हो गया, यही अंतर है, बाकी कुछ सीटेट में अंतर नहीं है, कि सीटेट यूपीटेट में क्या अंतर, बस एक छोटा सा गणित में कर देखेंगे यही अंतर है। वो क्या करेंगे, कहेंगे माना पहले लड़कों को यक्स दिया, दूसरे को 10 रुपया ज्यादा दिया, तो यक्स प्लस 10, फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार न, तो प्रश्नानुसार क्या है यक्स, यक्स प्लस 10 इक्वल टू 100, 10 वर्ग 90 हुआ, फिर वही कॉन्सेप्ट कहानी आई, 2x = 90, x = 45, तो दूसरे को 10 रुपया ज्यादा मिला तो 45 + 10 55। तो यही सीटेट और यूपीटेट में छोटा सा अंतर है कि सीटेट एकदम बारीकी से पूछेगा कॉन्सेप्ट क्या है और आप बात आराम से बिना पेन उठाए बता देंगे, और यूपीटेट क्या पूछेगा साल में करिए, तो इसीलिए सीटेट की गणित पढ़ना आपके लिए बेहद आसान है और आप आसानी से पढ़ लेंगे, बस यही इसी तरह से पढ़ना है और ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सबसे ये भी डर निकाल दी, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आप विश्वास नहीं करेंगे 15 से 20 दिन में मैं सीटेट की संपूर्ण गणित खत्म कर दूंगा, अभी समझा के, ऐसा नहीं कि हवा में उड़ा के खत्म कर दूंगा, 15 से 20 दिन 25 दिन बस, उसके बाद गणित की शिक्षण विधियाँ चलेगी, वो भी मुश्किल से 15 से 20 दिन, मतलब इस तरह से 30 दिन में कोर्स खत्म हो जाएगा और आपको लगभग 75 से 70 दिन बाद विदा कर देंगे प्रैक्टिस करा के, ये चिंता ना, 70-70 दिन में एक बैच खत्म करके फिर अगली बैच लगा देंगे, इसलिए आप सभी लोग लगातार पढ़ते रहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबके लिए, आप सबको गणित नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, डरिएगा मत, ठीक, हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसके बाद का अध्याय ताकि वो भी आज खत्म हो जाए, नहीं तो बात ऐसे बातें होती रहती हैं, कहेंगे ये बात क्यों करते हैं कि सीटेट में यही जरूरी है, सीटेट में गणित के साथ यही जरूरी है, अगर आप कहते हैं कि क्लास में आने के बाद ये कौन सी बात है, क्योंकि सीटेट में पूरा प्रश्न में इसे पूछेगा,
कि अगर आप एक अध्यापक हैं, आगे लिखवाएंगे तो हमने इकाई का वाला पढ़ा था, उसमें आपकी संख्या कम थी, मैंने इकाई का मान ज्ञात करने के लिए पढ़ाया था, जैसे 14 इकाई 20 दहाई कितना होगा, 14 इकाई और 20 दहाई कितना होगा, 14 इकाई और 20 दहाई, हाँ दहाई माने 10 गुना 214। लेकिन ऐसे प्रश्न पूछेगा, हम कहेंगे ये कौन सा प्रश्न है, बस वही बारीकी पूछता है। सीटेट में समझना बहुत जरूरी है, जितना ज्यादा गणित को समझेंगे, लगाना नहीं गणित को समझना है, क्योंकि आप अध्यापक और अध्यापिका होने जा रहे हैं, अभी किस विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में, तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे, 40 बच्चे 40 किस्म के होंगे, कुछ मेरी तरह मंदबुद्धि, कुछ आप लोग की तरह सामान्य प्रखर और मेधावी, ठीक, तो इस तरह के बालकों को कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक, आप पढ़ाते थे कोई कलुआ किसी को मार दिया तो क्या करेंगे आप, तो इस तरह से आपको मैनेज करना होगा कक्षा में, और खासकर गणित कक्षा में, कि गणित कक्षा में क्या होता है, बच्चे सबसे ज्यादा खुरापात करते हैं, शरारत करते हैं, और आपको बिना डंडा उठाए बिना छड़ी उठाए उनको क्या करना है, समझाना है। और आप जानते हैं ये ऐसा विषय है जिसे बहकाया खूब जाता है, कैसे बहकाते हैं पता है आपको, नहीं पता, चलिए देखिए सीख लीजिएगा, आप लोग भी बहकाइएगा, कहते हैं ये कई कलम है, ये कई कलम है, कुल कितना हो गया, 2 ही कलम, फिर बच्चे से कहते हैं बताओ तुम्हारे पास 5 रुपया था, 10 रुपया हम दे दिए, कितना हो गया, कहता मिला क्यों नहीं, मिला उसको 1 रुपया, 5 था 10 और दे दिए, हो गया कितना, 15, मिला नहीं। तो गणित जो है अमूर्त है, लेकिन अब प्रश्न उठता है अमूर्त गणित क्या है, प्रारंभ करते हैं जब गणित शुरू करते हैं, बच्चों को गणित पढ़ाना शुरू करते हैं तो प्रारंभ में पहले मूर्त होता है, मूर्त का मतलब पहले से दिखाते हैं 1 और 1 कितना हुआ, 4 ला के दिखाते हैं, गोली ला के सिखाते हैं, प्रारंभ में मूर्त से गणित सिखाते हैं, जब बालक गणित सीख लेता है मूर्त को हटा लेते हैं, सामान को हटा लेंगे, अब कहेंगे 2 रोटी तू खाए, 2 रोटी तार भाई कुल कर रोटी खाए, 4 तो कहने का मतलब गणित को पढ़ाते समय पहले तो मूर्त रहता है, जब बालक को प्रारंभिक शिक्षा देंगे या जब बालक अपना प्रवेश लेगा आपके विद्यालय में, उसमें बालक जब कुछ नहीं जानता क्या करेंगे, पहले मूर्त वस्तुओं का सहारा लेते हैं, चाक डस्टर गोली, जिस विधि से समझेगा उस विधि से क्या करेंगे, समझाने का बोर्ड पर भी बनाएंगे तो मूर्त दिखाएंगे, उसको दिखाते हैं जब देखेंगे, आप पढ़े भी होंगे, अपने अगर इंटर्नशिप की फाइल बनाई होगी तो आपको याद होगा, अगर उसको बताना है केला तो बताएंगे इधर बता दिए, जोड़ लगा दिए, नहीं जोड़ लगा कितना होगा, तो बालक को बढ़ाते से पहले मूर्त बताते हैं ये, फिर जोड़ भी सिखाएंगे तो कैसे सिखाएंगे, अगर आपको 2 + 3 करना है तो कहेंगे 2 लाइन + 3 लाइन, फिर जोड़ता है वाला कितना है, बाद में लाइन खत्म, फिर 2 और 3। तो वास्तव में क्या है, प्रारंभ में जो गणित होती है वो मूर्त होती है, बाद में मूर्त से अमूर्त की तरफ ले जाते हैं, और बाद में सब वस्तु को हटा लेते हैं ज्ञान से, कहने का मतलब ये गणित का जो ज्ञान होता है पहले मूर्त वस्तु को दिखाकर, इसे कहते हैं ललचाना, जानते हैं आप लोग, उसे दिखाकर आप गणित सिखाएंगे, और जब गणित सीख जाएंगे वस्तु हटा देंगे, वस्तु हटा देंगे तो क्या बचता है आपके पास, ज्ञान शेष बचता है, गणित की चतुराई देखिए, वस्तु दिखाकर ज्ञान देते हैं, वस्तु हटा देते हैं ज्ञान शेष बचता है। आज भी अगर हम आपसे पूछे 3 और 2 कितना होगा तो कैसे लिखेंगे, 3 पाही और 2 पाही, तुरंत बताएंगे 5, इसको इतना माज दिया गया है, मतलब वस्तु हटा दिए, क्या बचा आपके पास, ज्ञान। इसीलिए प्राथमिक कक्षा में कक्षा 1 से ही गणित पढ़ाई जाती है, जबकि पर्यावरण कक्षा 3 से पढ़ाई जाती है। और गणित का भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, आज अगर होगा तो आज ही बता देंगे, गणित का अपना भाषा होता है, गणित का अपना व्याकरण होता है, सुना आप लोगों ने कभी, आपने सुना होगा हिंदी का व्याकरण सुने हैं, संस्कृत का व्याकरण सुने हैं, इंग्लिश का ग्रामर सुने हैं, ये गणित का व्याकरण क्या होता है, गणित का भी व्याकरण होता है, इसमें भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण विशेष होता है। अब कहेंगे इसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण विशेष कैसे होगा, तो आपको पूरा बताएगा, इसके भी चिन्ह होते हैं, जैसे आपने पढ़ा है अगर आप डीएलएड होंगे उत्तर प्रदेश के डीएलएड, तो इस बार प्रश्न आया था विराम चिन्ह के प्रकार बताइए, तो 15 प्रकार कितने लोगों ने लिखा था, कोई नहीं लिखा था, हाँ 11 लिखे थे, 15 प्रकार का होता है, तो 15 प्रकार के 15 का नाम और उनके चिन्ह बताना था। तो जिस प्रकार हिंदी भाषा क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं, उसी प्रकार गणित के भी क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं। क्या चिन्ह होते हैं, ये कौन सा चिन्ह है, प्लस। गणित की भी अपनी एक भाषा होती है, गणित की भी अपनी एक भाषा होती है, जैसे आपकी भाषा होती है वैसे गणित की भी एक भाषा होती है। गणित की भाषा क्या होती है, गणित की भी भाषा होती है, आपको पता है, आम बोलचाल कोई भाषा को जब गणित की भाषा में बोलना शुरू करते हो तो क्या होता है, गणित की भाषा,
कौन सी भाषा होती है? गणित की भाषा। जब कोई विषय पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो हमें सबसे पहले यह लगता है यह विषय तो सबकी विषय की जननी है, हर विषय जब पढ़ेंगे तो लगेगा यही विषय तो सबसे महत्वपूर्ण, बिना इसके कोई विषय ये नहीं है। जब अध्यापक उसकी महिमा का व्याख्यान करते हैं, जब व्याख्यान करते हैं तो लगता है यह विषय सबसे महत्वपूर्ण है। तो जब गणित की बात करते हैं तो गणित में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इसे जानते भी, ऐसी बात नहीं कि आप लोग ना जानते हो, ये हर चीज़ें पढ़ें, बस आपको आत्मचिंतन करो जरूरत है। जितना ज़्यादा आपने आत्मचिंतन किया उतना आप सीटेट में नंबर बेहतर लाएंगे। जितना आप तर्क कर लिए, तर्क किससे करना? अपने आप से तर्क करना, क्या मानकर? एक अध्यापक मानकर। कहाँ पढ़ा रहे? बालक को पढ़ा रहे। बालक कैसा है? खुरापाती। कैसा है? खुरापाती। आप लोग की तरह शांत दिमाग का, कल एक तरह खुरापाती है, आप पढ़ा उसको मार दिया तो क्या करेंगे? उसको बाहर निकालेंगे? नहीं, बाहर नहीं निकालना है। आपकी क्लास में कई प्रकार के बालक होंगे, फिर गणित शिक्षण कैसे करेंगे आप? किस प्रकार टीएलएम को इस्तेमाल करेंगे? अगर गणित पढ़ा रहे लड़के बोरियत महसूस कर रहे हैं तब क्या करेंगे आप? इस सारी चीजों को आपको आत्मनन भी करना होगा साथ ही साथ, क्योंकि सीटेट का मतलब ये नहीं है कि यूपी टेट के बाद 30-30 सवालों सॉल्व करके आइए। वहां जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, चाहे जितने भी होंगे, उसका बस सबका एक मतलब होगा कि आपके अंदर एक अध्यापक बनने के गुण है अथवा नहीं है। अगर गुण है अध्यापक बनने को, दी बेस्ट, नहीं है तो तभी बस। तो यह चीज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, ये माने भी रखती है। इसलिए आप सभी लोग इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि गणित पढ़ते समय, गणित पढ़ाते समय इस चीज का थोड़ा सा, गणित की भाषा में बात चर्चा हो रही थी, गणित की भाषा ये तो पूरा अध्याय है, लेकिन जब पढ़ाएंगे देखेंगे गणित की भाषा क्या है। जैसे कहते हैं आपसे इनकी उम्र या इनसे आपकी उम्र 2 साल कम या ज्यादा है, कम है या ज्यादा? इनकी उम्र कम है या इनकी उम्र ज्यादा है? ये कम और ज्यादा क्या है? गणित की भाषा, यह गणित की भाषा। कलुआ ज्यादा खास मकलुआ से या कल्लू मकलू ज्यादा खाए? ठीक, ज्यादा मतलब गणित की भाषा, मतलब ये आम बोलचाल की भाषा को ही जब गणित में बोलते हैं तो क्या हो जाती है? गणित की भाषा। ठीक, तो यही आप लोग देखेंगे, आप लोग पढ़ेंगे, गणित का मासिक टेस्ट भी कराएंगे आप सब। टेस्ट क्यों कराया जाता है? बच्चों को गिनती पहाड़ा कैसे पढ़ाया जाता है, जोड़ क्या है, जोड़ कैसे सिखाएंगे, घटाना क्या, घटाना कैसे सिखाएंगे, तो इन सारे को एक एक करके हम शिक्षण में पढ़ेंगे। शिक्षण विधियाँ क्या होती है, गणित के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या होती है, ठीक, आगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है। ठीक, शिक्षण विधियाँ तो शिक्षण विधियाँ एक ही होती है, लेकिन जब विषय की बात करते हैं उसमें थोड़ा बहुत अलगाव आ जाता है। अलग अलग विषय के में अलग अलग प्रकार शिक्षण विधियाँ काम करती है। कुछ जगह जहाँ पे आगमन विधि बढ़िया है गणित के लिए, तो कहीं किसी विषय के लिए और विधि बढ़िया है। तो कुछ कक्षा के लिए आगमन विधि, कुछ कक्षा के लिए निगमन विधि, लेकिन हाँ, सारी विधियों का प्रयोग करके ही हम बालक को पढ़ा सकते हैं। केवल एक विधि या दो विधि का प्रयोग करके बालक को नहीं पढ़ा जा सकता। लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्राथमिक कक्षा के लिए सबसे बेस्ट विधि कौन सी है, तो कौन से बताएंगे? शिक्षण विधि। आगे हम जब शिक्षण विधि पढ़ाएंगे तो बताएंगे, तो जो पढ़ा है वो बताए। दीक्षा जी बताइए कि सबसे बेहतर विधि कौन सी होगी गणित पढ़ाने के लिए? हाँ, कौन सी? आगमन विधि क्या है? जी, क्योंकि जब एनसीए पढ़ते हैं तो वहां पहले बताता है, बताया जाता है कि उदाहरण देके बताइए, लेकिन कुछ चीजें हैं करके सीखी चीज जल्दी याद रहती है, डू एंड लर्न, करके जो सीखते हैं वो जल्दी याद रहती है। अभी सीटेट प्रश्न भी सॉल्व करेंगे हम लोग अब क्योंकि आपके सामने प्रश्न सॉल्व करेंगे। जैसे आप लोग घर में बैठ के सॉल्व करते हैं तो अब हम लोग क्या करेंगे, कोर्स जल्दी खत्म हो जाएगा सीटेट का, तो हम लोग क्या करेंगे, डेली प्रोजेक्टर से एक एक पेपर 30-30 क्वेश्चन तेजी से सॉल्व करेंगे। ठीक, उससे क्या चीजें रहेगी, ये चीजें हम लोग सीख लेंगे कि कैसे आपको परीक्षा में सॉल्व करना है। माने ये नहीं रखता कि कितना बेहतर आपने किया, माने ये रखता है कि यह विकल्प सही तो यह विकल्प क्यों गलत है, गलत है तो क्यों गलत है। ऐसा नहीं गलत है, मान ली गलत है, चलिए छोड़िए, गलत है तो क्यों गलत है। चार विकल्प है, लगता है चारों सही है, दो किधर काट लिए, ये दोनों सही है, तो इस समय करते हैं। और फिर जब परीक्षा सर पे आ जाएगी तो फिर हम ये देख लेंगे सीटेट में तुक्का कैसे लगाते हैं, सीटेट में उत्तर का चयन कैसे करते हैं। अगर आ जाए ये सभी तो आंख मूंद के मारे गए, सभी सब सही लग जाता है। आज तक का रिकॉर्ड पेपर उठा के देख लीजिएगा, अगर ऐसा 8 क्वेश्चन आया है 8 नंबर आपके फिक्स आपके। लेकिन ऐसे कंडीशन 80% ऐसा होता, कंडीशन 80-90% जहाँ पे संभावना हो, तो नहीं आता मतलब मार दी। और जब एकदम नया जिसका उत्तर सबसे बड़ा दिखे वही मार दीजिए। इस सीटेट में इस तरह से प्रश्न रहते हैं, और गणित के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, और गणित बहुत आसान है सीटेट का, क्योंकि इसके लिए मात्र आपके 2.5 महीने में आप कंप्लीट कर जाएंगे, और हमें प्रयास करेंगे कि आप लोग इसको जल्दी से कंप्लीट कर जाएं, और जब कंप्लीट कर जाएंगे सीटेट को हम प्रैक्टिस करा के आप लोग को सॉल्व करा देंगे। ठीक, किसी कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ पूछना है गणित में, नहीं पूछना है,
चलिए आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा।